तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, लेकिन बेसिक ऑपरेशन क्या होगा हमारा? एडिशन। ओके, एडिशन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है हमने। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। सो इन द क्लोजर प्रॉपर्टी द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर। लाइक इफ ए एंड बी एनी टू इंटीजर्स द सम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी इज एन इंटीजर। ए एंड बी कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव। लाइक असाइनिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, से ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 1। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। 8 भी इंटीजर को बिलोंग करता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। अगर आप नेगेटिव का लेना चाहते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो। लाइक हम ए को पॉजिटिव रहने देते हैं, बी की वैल्यू नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव 3। अब इनको ऐड करते हैं, 7 प्लस माइनस 3, आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। 4 भी एक इंटीजर है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा आफ्टर द क्लोजर प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो इन द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज सेम, इट डजंट मैटर इन विच ऑर्डर दे आर एडेड इन। लाइक इफ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स से ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, देन वी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड। देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज होल्ड। अब ए और बी को वैल्यूज असाइन कर दो। आप नेगेटिव वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, आप पॉजिटिव वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, चॉइस इज योर। हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू असाइन कर लेते हैं, सो आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, लाइक ए इज इक्वल टू 8, बी इज इक्वल टू माइनस 5। सो फर्स्टली वी सॉल्व ए प्लस बी फॉर द लेफ्ट हैंड साइड। 8 प्लस माइनस 5, द आंसर इज 3। नाउ सॉल्व द राइट हैंड साइड, बी प्लस ए, द वैल्यू ऑफ बी माइनस 5 प्लस 8। अगर माइनस 5 में 8 प्लस करेंगे तो आंसर उसका भी 3 आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होल्ड हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो इन द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी द सम ऑफ एनी थ्री इंटीजर्स रिमेन सेम, इट डजंट मैटर इन विच ऑर्डर दे आर ग्रुप टूगेदर। ओके, सो लाइक वी हैव एनी थ्री इंटीजर्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी दे आर इंटीजर्स, द सम ऑफ देयर इंटीजर्स, लाइक वी ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीजर, देन एड थर्ड। इफ द सम ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ राइट हैंड साइड, इन द राइट हैंड साइड वी ग्रुप
second and third integer, then add the a into sum of b plus c. If the answer is same, then the associative property is hold in the integers. Okay, so assigning the value of a, b and c, say a is equal to 1, b is equal to 4 and c is equal to 3. So fill the value first in the right hand side. There is 1 plus 4 plus 3. Sorry, there is 3. Now 1 plus 4 is equal to 5. 5 plus 3 is equal to 8. So on the left hand side we got 8. If we group first and second integer together and then add the third integer in the sum of a and b. Now put the value of a, b, c in the right hand side. We got some answer. Say look, 4 plus 3, the sum of 4 and 3 is 7. 1 plus 7 is equal to 8. So left hand side and right hand side get the same answer. So associative property is hold. Associative property is hold. Next हमारे पास additive property और zero property. Okay. Next है additive identity. Additive identity. This additive identity is also known as zero property. Zero property. अब zero property में क्या होगा? हमारे पास एक इंटीजर होगा, हम उसमें क्या ऐड करें, हमें वही इंटीजर वापस मिल जाए, तो वी नो दैट हम उसमें ज़ीरो ऐड करेंगे. सो ज़ीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी और द दिस इज आल्सो नोन एज ज़ीरो प्रॉपर्टी. ओके, सो लाइक वी हैव ए, इफ ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ए, देन वी से ज़ीरो इज़ द additive identity. So now a is any integer, for any integer a, for any integer a, a plus 0 is equal to a, then 0 is the additive identity. So assigning the value of a, like a is equal to 5, a is equal to 5. Now we add 0 in the 5, the answer is 5. So 0 is the, 0 is the additive identity. Additive identity of addition of integers. Addition of integers. Is that clear to everyone? So our last property is additive inverse. ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी एडिशन की है. दिस इज़ द एडिटिव इनवर्स. फॉर एनी इंटीजर ए, देयर एग्जिस्ट एन अनदर इंटीजर माइनस ए सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो. फॉर एनी इंटीजर ए, देयर एग्जिस्ट एन another integer, integer minus a such that a plus minus a is equal to 0. Like हमारे पास कोई भी integer हो, चाहे वो positive हो चाहे negative हो, उसका inverse है, वो एग्जिस्ट करेगा इंटीजर में. अगर हम दोनों को ऐड करेंगे हमारा आंसर कितना आएगा? ज़ीरो आएगा. दिस इज द एडिटिव इनवर्स. लाइक हमारे पास टू है, ए इज इक्वल टू टू, सो माइनस टू एग्जिस्ट करता है ना इंटीजर में. सो टू प्लस माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो. अगर हम माइनस की बात करें
तो माइनस का इन्वर्स किस में आ जाएगा, माइनस ए का इन्वर्स प्लस ए में। नाउ इफ ए इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस थ्री में क्या ऐड करें, जीरो आएगा प्लस थ्री। सो दिस इज द एडिटिव इन्वर्स, माइनस टू इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ प्लस टू, थ्री इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस थ्री। सिमिलरली इंटीजर्स में हर एक इंटीजर का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर लिया उसका इन्वर्स नेगेटिव में आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर लिया आपने उसका इन्वर्स पॉजिटिव इंटीजर में आएगा। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीजर्स ऑफ एडिशन इन इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स इन द एडिशन। सो आई थिंक ये आपको फाइव प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी। सो इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।